दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आरोग्यवर्धनी वटी के बारे में। आरोग्यवर्धनी वटी का मतलब ये है, वैसी वटी जो शरीर के रोगों को ठीक करने का काम करती है वो है आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी कई जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। कई रोगों के इलाज में आरोग्यवर्धनी वटी के फायदे मिलते हैं, जैसा कि देखा गया है। काफी सारे वैद्य लोग भी आरोग्यवर्धनी वटी को देते हैं, वो लोग अपने मरीजों को देते हैं। पाचन तंत्र विकार, त्वचा रोग आदि के अलावा कई सारे रोग ऐसे होते हैं जिनको ठीक करने में आरोग्यवर्धनी वटी के बहुत सारे लाभ देखे गए हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपके काम आ सकती है। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आप खुद ही दवा को लेकर के खा सकते हैं और आप निरोग हो सकते हैं। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, ताकि मैं इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट्स को लेकर के आता रहूं और आपका फायदा होता रहे। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, तभी हमें समझ में आएगा ये दवा इतनी पावरफुल क्यों है। तो इसके अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर है पारद, गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, हरित की, अभित की, आमल की, शिलाजतु, गुग्गुल, चित्रक, कुटकी और नीम पत्र का, नीम के पत्ते का रस। इतनी सारी चीजें मिला करके इस औषधि को बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा, मोटापा कम करने के लिए। जो लोग फालतू के चर्बी से मोटे हो रखे हैं, इधर उधर थुलथुल जिनकी बॉडी हो गई है, उन लोगों के लिए वर्धनी वटी बहुत ही अच्छा काम करती है। यह चर्बी को कम करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जो फालतू के फैट जो आपके बॉडी में इधर उधर जमे हो जाते हैं, उसको कम करने में बहुत ही फायदा करता है। मल त्याग करने से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उनको भी खत्म करने में आरोग्यवर्धनी का बहुत ही अच्छा फायदा देखा गया है। इसके अलावा पाचन तंत्र विकार में अगर हम इसके फायदे की बात करें, तो आरोग्यवर्धनी वटी में ऐसा रसायन होता है जो पाचन तंत्र संबंधित विकारों को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। यह शरीर की कमजोरी, अपच, परेशानी, लिवर विकार में बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। यह पाचन शक्ति को ठीक करने और आपके पाचन शक्ति को बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में, उसकी ताकत को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ताकि आप कुछ भी खाएं वो पचे और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी में लगे, ताकि आप एक सेहतमंद रह सके। इसके अलावा त्वचा रोग में अगर हम बात करें, तो इसके सेवन से त्वचा संबंधित रोगों में भी तुरंत लाभ देखने को मिलता है। पीप वाले जितने भी सारे त्वचा रोग होते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का फोड़ेफुंसी हो जाता है, जिससे पीप निकल रहा होता है, उसके अंदर इसके बहुत अच्छे फायदे देखे जाते हैं। इसके अलावा पोषक ग्रंथियों को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। शरीर के विकास के लिए पोषक ग्रंथियों का स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कई बार अनेक विकारों के कारण शरीर का उचित विकास नहीं हो पाता है, ऐसे में आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन कर रहे हैं, तो आपको जो है यह दवा का सेवन आपको दूध से ही करना है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी वटी के इस्तेमाल की जानकारी आपको जो है किसी न किसी चिकित्सक से ले लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा असरदार औषधि है। किसी भी वैद्य से परामर्श लेने की हम लोग इसलिए बात करते हैं कि हो सकता है आप कोई ना कोई दवा ले रहे हो, और हर दवा का, हर मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथ हो या फिर आयुर्वेद हो, ये सारी चीजें जो है आपके बॉडी पर निर्भर करता है कि वो कैसा असर करने वाला है। इसीलिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार का कोई रोग है, उसका इलाज चल रहा है, तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा मूत्र रोग में आरोग्यवर्धनी वटी बहुत फायदेमंद है। आरोग्यवर्धनी वटी पेशाब से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा लाभ करता है। आपके मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है, तो उसको कम करने में भी बहुत अच्छा फायदा दिखाता है। इसके अलावा आंतों के रोग के लिए यह वटी बड़ी आंत और छोटी आंत से संबंधित जितने भी सारे विकार होते हैं, उसको ठीक करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आरोग्यवर्धनी वटी का इस्तेमाल करने से पहले आप अगर किसी भी प्रकार का इलाज ले रहे हैं, आप आंत से रिलेटेड या फिर लिवर से रिलेटेड, तो भी आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। अन्यथा कोई इलाज नहीं चल रहा है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा रक्त विकार में कई बार शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली और एक्जिमा होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर हो गया है, ऐसे में आरोग्यवर्धनी वटी को महामंजिष्ठादि अर्क के साथ अगर सेवन करते हैं, तो आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। आप नीम की छाल के काढ़ा के साथ उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ जो है देखने को मिलेगा, अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा तिल्ली और लिवर विकार में आरोग्यवर्धनी वटी के सेवन से जो है आप शरीर के किसी भी अंग, जैसे लिवर,
तिल्ली यानी प्लीहा, गर्भाशय, आंत, हृदय आदि में होने वाले जितने भी सूजन है उस सूजन को कम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि लीवर में सूजन है, तो लीवर में सूजन है तो आरोग्य वर्धनी वटी ले सकते हैं, सूजन को कम कर देगा। इसके अलावा पुराने से पुराना बुखार है, जलोदर है या फिर एनीमिया हो गया है तो उसके अंदर भी आरोग्य वर्धनी वटी बहुत अच्छा फायदा दिखाती है। इसके साथ में अगर लीवर बढ़ने के कारण दर्द हो रहा है तो पुनर्नवास्टक काढ़ा में जो है रोहेड़ा की छाल और सरपुंखा मूल एक एक भाग मिला करके, एक एक भाग अधिक मिला करके पीने से बहुत ही अच्छा फायदा देखा जाता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग में, ऑटुम्बर कुष्ठ में शरीर की त्वचा खराब और रूखी हो जाती है, इसमें त्वचा की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और शरीर सुन्न पड़ने लग जाता है, पसीना अधिक निकलता है, ऐसे में आरोग्य वर्धनी बटी को गंधक रसायन के साथ उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। यह कुष्ठ रोग की एक बहुत ही चमत्कारिक दवा के रूप में भी माना जाता है। इससे कुष्ठ रोग के साथ ही साथ त्वचा के अन्य रोग में भी बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। तो आरोग्य वर्धनी बटी वाकई में आरोग्य है, यानी कि रोगों से दूर करने वाली औषधि है जिसको आप सेवन करके इतने सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ।